हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन द नेक्स्ट सेशन आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का चैप्टर सेवन दिस चैप्टर इज़ अबाउट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस ये चैप्टर बड़ा तो नहीं है बट ये द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है रीजनिंग का हमने अब तक जो भी रीजनिंग करी है ऑड वन आउट न्यूमेरिकल सीरीज कोडिंग डी उन सब में से ही ये वाला आपको सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे इसके कुछ टाइप्स होते हैं एग्जाम्पल भी देखेंगे एंड लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है क्वेश्चन वो हम सॉल्व करने वाले हैं सबसे पहले बताया है कि डायरेक्शन क्या होता है डायरेक्शन इज द मेजरमेंट ऑफ अ पोजिशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अन अदर ऑब्जेक्ट एंड डिसप्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ये हमने थोड़ा फिजिक्स में भी पढ़ा है ठीक है कि डायरेक्शन क्या होता है डिसप्लेसमेंट क्या होता है सो so, एक ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में दूसरी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का या पोजीशन का जब मेजरमेंट करते हैं तो उसको डायरेक्शन बोला जाता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं डिस्टेंस डायरेक्शन और एंगल्स के ऊपर तो अब इसमें दो चीज़ आती है मेन डायरेक्शन एंड कार्डिनल डायरेक्शन तो मेन डायरेक्शन क्या होता है हमारे चार मेन डायरेक्शन होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ तो आपको फिगर में यहाँ पे दिखाया है देख सकते हैं आप ठीक है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में ई डब्ल्यू एन एंड एस लिखते हैं ठीक है तो बार बार नॉर्थ ना लिख के आपको यहाँ पे एन भी लिखा हुआ दिखेगा ई डब्ल्यू एस ऐसा भी लिखा हुआ दिख सकता है नेक्स्ट कार्डिनल डायरेक्शन ये क्या होता है दो मेन डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है या जो डायरेक्शन हमने बताया उसको हम कार्डिनल डायरेक्शन बोलेंगे या सब डायरेक्शन बोलते हैं ठीक है थीके? जैसे कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट जो कि आप इस डायग्राम में आराम से देख सकते हो ठीक है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट देन वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट नेक्स्ट में बताया है जो ये दो भी डायरेक्शन दिए हैं उनके बीच में एंगल फॉर्म होता है ठीक है फर्स्ट इज़ नाइन्टी डिग्री का एंगल फॉर्म होता है और दो जो कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं वो वहाँ पे आप देखेंगे कि फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ तो देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का अगर देखोगे तो ये नाइन्टी डिग्री फॉर्म होता है पर वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में देखेंगे जो कि एक सब डायरेक्शन है ना तो यहाँ पे फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल फॉर्म होता है अगला बताया है एंगल ऑफ मूवमेंट अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए एंगल ऑफ मूवमेंट के बेस पे तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए पहला है मूवमेंट टूवर्ड द राइट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज अगर राइट की तरफ कोई मूव कर रहा होता है सर्कुलर पैटर्न में तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है एंड अगर वही लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे आप इस डायग्राम में देख सकते हो घड़ी सबने देखी है ठीक है तो जब घड़ी तो ऐसे चलती है ठीक है तो ये आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो गया अगर ऐसे जा रहा है ऐसे आपको डायरेक्शन या क्वेश्चन में इंडिकेट किया है तो वो क्लॉक वाइज होगा और अगर उल्टा है तो ये एंटी क्लॉक वाइज हो जाता है अब इसमें दो टाइप के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे फर्स्ट इज बेस्ड ऑन फाइनल डायरेक्शन ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको फाइनल डायरेक्शन निकालना होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसका आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताया होता है ठीक है तो इसका एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है सुमन वॉक्स फिफ्टीन किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ सुमन जो है एक लड़की वो फ़िफ्टीन किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलती है शी टर्न राइट एंड वॉक अनदर अदर फिफ्टीन किलोमीटर फिर नॉर्थ पे जाकर वो राइट टर्न लेती है और दोबारा फ़िफ्टीन किलोमीटर चलती है शी टर्न राइट एंड वॉक अनदर अदर फिफ्टीन किलोमीटर वो दोबारा जब अपने इधर पहुंचने के बाद दोबारा वो टर्न राइट करती है और फिर से फ़िफ्टीन किलोमीटर चलने लगती है इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर कंपेयर किया जाए तो अभी वो कौन से डायरेक्शन पे आ गई है ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ इसके लिए आपको छोटे छोटे ऐसे डायग्राम्स बना के करना पड़ता है तो यहाँ पे हम ब्लैंक स्लाइड पे करेंगे इसके लिए ड्राइंग बना के करना बहुत ही जरूरी होता है ये रफ डायग्राम ठीक है तो मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से वो चलती है फिफ्टीन किलोमीटर नॉर्थ तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए नॉर्थ कहाँ है तो उसके लिए आप ऐसे बना लिया करो ठीक है तो ये होता है आपका ईस्ट ये होता है वेस्ट ये होता है साउथ और ये होता है नॉर्थ तो इस पॉइंट से वो नॉर्थ की तरफ 15 किलोमीटर चल रही है तो यहाँ से एक ऐसे डॉटेड लाइन बना के या कुछ भी बना के लिख लो कि इस पॉइंट से यहाँ पे गई वो 15 किलोमीटर ठीक है अब जब वो यहाँ पे पहुँच गई पॉइंट टू पर उसके बाद वो दोबारा राइट टर्न लेती है और फिफ्टीन किलोमीटर दोबारा चलती है तो यहाँ पे है वो मतलब उसका फ़ेस इस साइड है ठीक है यहाँ से राइट क्या होगा ये साइड तो यहाँ पे वो दोबारा चल रही है फ़िफ्टीन किलोमीटर जब भी अगर आप इस डायरेक्शन पर जा रहे हो तो आपका फ़ेस हमेशा इसी साइड होगा अपवर्ड ही होगा ठीक है किसी किसी को इसी में कंफ्यूजन हो जाती है कि हम यहाँ से चलते रहे तो इस साइड है इस साइड है या इस साइड है या इस साइड है लेकिन आप ऐसे जा रहे हो ना कभी भी आप रोड पे चल रहे हो मान लो ये रोड ही है और आप इस पर ऐसे डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपका फ़ेस इसी साइड रहेगा तो ये आपका फ़ेस है और यहाँ से आपका ये राइट होता है तो यहाँ से फिफ्टीन किलोमीटर चली और फिर मान लो ये पॉइंट एक और आया यहाँ पर ये रुक गई फिफ्टीन किलोमीटर के बाद अब फिर से हमें बोला था कि फ़िफ्टीन किलोमीटर के बाद वो दोबारा राइट टर्न लेती है और फिर से चलने लगती है तो यहाँ पे अगेन उसका फेस इस साइड है तो इस साइड से राइट क्या होगा ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा ठीक है आप खुद को खड़ा करके देख लिया करो नहीं समझ आ रहा तो जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हो और मुड़ जाओ कहीं पे भी बैठे हो एंड देखो राइट क्या है तो ये साइड आपका राइट है ठीक है तो दोबारा वो इस साइड अब चलेगी उसके बाद वो रुक जाती है और बोला है यहाँ पे जब वो खड़ी है तो ये हो गया उसका एंड पॉइंट अब लास्ट में हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फ्रॉम स्टार्टिंग से अगर हम डायरेक्शन देखें तो वो किस पॉइंट पर मूव कर रही है तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से आप ऐसे मान लो डॉटेड डॉटेड लाइन हमने बना दिया इधर आपको ऊपर दिख रहा है ना ये पॉइंट मतलब इस साइड अगर कोई खड़ा है तो वो ये so, देखो क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम देखे तो अब वो किस डायरेक्शन में गई है तो वो ईस्ट की तरफ गई है ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर सो वो था टाइप वन बेस्ड ऑन फाइनल डिस्टेंस अब आपको है बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फाइनल डिस्टेंस जो होता है वो निकालना होता है फाइनल पोजीशन के बीच में या दो पोजीशन दे, दे देंगे या आपको दो दे पर्सन दे देंगे कि इन दोनों पर्सन के बीच में डिस्टेंस कितना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है आपको वो बताना होता है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल टू इसमें बोला है अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए एक पर्सन है पॉइंट ए से स्टार्ट करता है एंड ट्रैवल थ्री किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी तो यहाँ पे देखो मान लो ये पर्सन है पॉइंट ए पे और वो ईस्ट की तरफ जा रहा है ईस्ट इस साइड है ठीक है तो ईस्ट की तरफ जा रहा है तीन किलोमीटर चलता है और पॉइंट बी पे रुकता है नेक्स्ट हमें बोला है देन ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल थ्राइज द डिस्टेंस टू रीच सी थ्राइज मतलब तीन बार तो थ्री का तीन बार कितना होगा नाइन ठीक है यहाँ पे थोड़ी मैथमेटिक्स भी आ जाती है इसलिए मैंने बोला था ये टफ भी है और टाइम टेकिंग भी है यहाँ पे आपका बहुत टाइम लगेगा तो तभी ऐसे छोटे छोटे रफ डायग्राम्स बना के करना बहुत ही आसानी से हो जाएगा तो बी से वो कहाँ टर्न करता है लेफ्ट अब आपको बताना है राइट और लेफ्ट तो मान लो आप इस साइड खड़े हो इस साइड आपका फेस है तो आपका लेफ्ट होगा ये वाला साइड तो यहाँ पे वो पर्सन जाता है कितने किलोमीटर्स जाएगा नाइन किलोमीटर्स ठीक है इधर थ्री किलोमीटर्स एंड इधर नाइन किलोमीटर चलेगा बिकॉज हमें क्या बोला है थ्राइस ट्रैवल कर रहा है और पॉइंट सी पे तो मान लो ये है हमारा पॉइंट सी ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड travel फाइव टाइम्स द डिस्टेंस ही कवर्ड बिटवीन ए एंड बी तो ए और बी के बीच में उसने जो डिस्टेंस कवर्ड किया था यहाँ से वो चलता है और उसका पाँच गुना मतलब थ्री इंटू फाइव थ्री इंटू फाइव कितना हो जाएगा थ्री फाइव सा फिफ्टीन तो यहाँ से वो चलता है ठीक है कितना चलता है फिफ्टीन किलोमीटर रीच हिज डेस्टिनेशन पॉइंट डी तो यहाँ से जब ये चला और फिर यहाँ पे ये यह पहुँचता है मान लो ये है पॉइंट हमारा डी और ये है इसका डेस्टिनेशन ओके द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन इज तो ये कंप्लीटली अब मैथ्स का क्वेश्चन है ठीक है यहाँ पे थोड़े से फॉर्मूला लगेंगे तो ध्यान से देखना अभी हमें पूछा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बताने के लिए कि पॉइंट जो उसने स्टार्ट किया मतलब ए पॉइंट से डी पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा और वो कितने किलोमीटर्स में कवर हो जाना चाहिए तो अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे इसने थ्री किलोमीटर चला यहाँ पे नाइन और यहाँ पे फिफ्टीन तो अगर हम इनका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री प्लस नाइन हो जाएगा ट्वेल्व एंड ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन इज़ ट्वेंटी सेवन तो इसने ट्वेंटी सेवन किलोमीटर्स चला लेकिन हमें बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो अगर हम पॉइंट ए से डायरेक्ट पॉइंट डी पे जाएँ तो क्या वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है जरूर हो सकता है तो कैसे निकालेंगे हम तो अभी हम एज्यूम करेंगे कि ए से पॉइंट डी तक जो है ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक ट्राइंगल एज्यूम करना पड़ेगा तो हम इस पॉइंट को पॉइंट ए को एक इमेजिनरी पॉइंट यहाँ ओ से कनेक्ट कर देंगे तो अगर ये थ्री किलोमीटर्स है तो वी नो दैट जो ये पॉइंट है अगर ये हमारा ओ पॉइंट है ओ और ये है हमारा सी तो ओ सी जो है वो भी थ्री किलोमीटर्स है ठीक है सो ये एक ट्राइंगल हो गया और इस ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है हाइपोटेनस उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है पाइथगेरिस थ्यूरम सो so, हमें कौन कौन सा डिस्टेंस पता है हमें डिस्टेंस पता है ए से ओ तक ए से ओ तक कितना होगा नाइन किलोमीटर्स ठीक है दिस इज नाइन किलोमीटर्स एंड ये कितना होगा फिफ्टीन माइनस थ्री कीजिए तो आ जाएगा ये ट्वेल्व किलोमीटर्स इमेज में नहीं ठीक से पता चल रहा लेकिन ये है मैथमेटिकली आप सॉल्व करके देखो आराम से आपको पता चल रहा है ना ये एक आपका रेक्टेंगल बन गया ठीक है तो ये जितनी डिस्टेंस थी उतना ही हमने इधर से लिया है जब इसको कनेक्ट किया तो ये थ्री किलोमीटर का हो गया ये हमने चला तो ये नाइन किलोमीटर था तो ये दोनों सेम डिस्टेंस है तो ये नाइन किलोमीटर का हो गया और हमें निकालना यही है ए और डी तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है ए डी इजिकल्स टू रूट ऑफ ए ओ स्क्वायर एंड ओ डी स्क्वायर तो आप क्या करेंगे ट्वेल्व का स्क्वायर करेंगे और नाइन का स्क्वायर करेंगे उसको प्लस करेंगे और रूट के अंदर ले लेंगे तो जब ट्वेल्व का स्क्वायर करते हैं तो आता है वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर मैंने आपको इसलिए बताया था स्क्वायर जो होते हैं नंबर के और क्यूब रूट जो होते हैं उसको याद कर लेना तो यहाँ पे स्क्वायर आपको याद किया होगा तो आपको काम आएगा और अगर नाइन के स्क्वायर की बात की जाए तो क्या आ जाता है एटी वन तो वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर प्लस एटी वन का रूट तो वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर प्लस एटी वन अगर करते हैं तो आता है टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ओके सो रूट टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव कितना हो जाता है फिफ्टीन तो करेक्ट आंसर होगा फिफ्टीन ये जो है आपका पॉइंट ए टू डी ये है फिफ्टीन किलोमीटर का करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी वैसे ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मला है पाइथागोरस थ्योरम का ठीक है ट्रायंगल का हाइपोटेनस कैसे फाइंड करते हैं पर अगर आपको मुश्किल आ रहा है डिफिकल्टी आ रही है इसको सॉल्व करने में तो नो प्रॉब्लम एक दो ऐसे क्वेश्चन और सॉल्व करना आपका आराम से हो जाएगा जैसे हर सेशन में बोलती हूँ मैं प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि हर एक टाइप में से आपका एक एक क्वेश्चन आए ज्यादातर आपके वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हमने एग्जाम्पल नंबर वन में किया था ठीक है अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये इसके दो ही टाइप होते हैं दोनों का एक एक एग्जाम्पल भी देख लिया हमने सबसे पहला क्वेश्चन है रमेश गोस्ट टूवर्ड नॉर्थ रमेश जो है नॉर्थ की तरफ चलता है टर्न राइट right, उसके बाद वो राइट right मुड़ जाता है देन टर्न राइट अगेन दोबारा राइट मुड़ता है और फिर वहाँ से लेफ्ट चलने लगता है विच डायरेक्शन रमेश फेसिंग नाउ अब जो रमेश है वो कौन से डायरेक्शन पे है या किस तरफ वो फेस कर रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये हमें बताना है तो अगेन हम इसको रफ डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व करेंगे मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक है तो यहाँ से चलता है तो सबसे पहले क्या बोला है ये बना लेना हमेशा क्योंकि इससे आपको पता रहेगा कि ये ईस्ट है ठीक है ये वेस्ट है ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ चलता है ठीक है तो नॉर्थ की तरफ चल रहा है सो नॉर्थ पे चलने के बाद वो बोल रहे हैं कि राइट टर्न लेता है तो यहाँ ये इसका राइट होगा सो यहाँ से वो राइट गया ठीक है उसके बाद दोबारा वो राइट चलता है तो ये मान लो आप इस साइड दोबारा फेस कर रहे हो तो ये आपका लेफ्ट हुआ ये आपका राइट हुआ ठीक है तो राइट उसने दोबारा टर्न लिया अब राइट टर्न लेने के बाद लास्ट में वो लेफ्ट जाता है तो अब उसका फेस इस साइड है ठीक है ये उसका राइट होगा और ये उसका लेफ्ट होगा तो वो इस तरफ जा रहा है लेफ्ट की तरफ ठीक है और यहाँ पे कहीं पहुंच गया ये उसका एंड पॉइंट तो है एंड पॉइंट पे उसका फेस किस तरफ है ईस्ट की तरफ ठीक है ईस्ट है ना इधर तो ईस्ट की तरफ इसका फेस है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टू राकेश लीव्स फ्रॉम हिज हाउस अपने घर से निकलता है 10 10 तो ही वॉक्स टेन किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के टूवर्ड्स टेन किलोमीटर्स है आपको अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आपको सारे जो डायरेक्शन है वो याद रहे अब आपको ऐसे बनाना होगा सो so, ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो हमें सबसे पहले क्या बोला है नॉर्थ वेस्ट चलता है तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है ना तो मान लो ये उसकी पॉइंट है ए पॉइंट और ए पॉइंट से वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है मतलब इस तरफ जा रहा है देन ट्वेंटी मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन अब साउथ वेस्ट देखिए साउथ वेस्ट है ये तो मतलब यहाँ से ऐसे जा रहा है ट्वेंटी किलोमीटर्स ठीक है यहाँ से टेन और यहाँ से ट्वेंटी इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं नेक्स्ट ही मूव ट्वेंटी मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन साउथ ईस्ट देखो तो ये है साउथ और ये है ईस्ट तो मतलब इसके बीच वाला है हमारा साउथ ईस्ट तो मतलब वो इस तरीके से कुछ इधर जा रहा है ठीक है तो पॉइंट डी ये उसने साउथ ईस्ट चला Finally he turned टू his house. यहाँ पे चलने के बाद वो अपने घर की तरफ दोबारा मुड़ गया तो आप डायरेक्शन देखो ठीक है और डिस्टेंस भी देखो सबसे साथ पहले साथ. देखिए यहाँ से वो टेन किलोमीटर चलता है ठीक है तो इमेज ठीक नहीं बनी हमारी तो इसको हम दोबारा एक बार कर लेते हैं क्योंकि अगर टेन इतना है तो ट्वेंटी थोड़ा और बड़ा होना चाहिए एंड दोबारा वो ट्वेंटी चलता है तो यहां से इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे इसको ट्वेंटी मान लेते हैं एंड यहां से भी इसको और बड़ा कर लेते हैं इसको भी ट्वेंटी मान लेते हैं तो ये हमारा पॉइंट सी एंड ये है पॉइंट डी ठीक है D, फिर अब यहाँ से वो अपने घर की तरफ मुड़ रहा है सो so, ऐसे कुछ गया पहले इधर पॉइंट बी पे आया फिर इधर चला फिर इस और फिर इधर पॉइंट डी और अब वो घर की तरफ जा रहा है हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है इन विच डायरेक्शन राकेश इज गोइंग अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है तो ये डी से जो पॉइंट ए की तरफ जा रहा है ये कौन सा डायरेक्शन होगा तो देखिए कौन सा डायरेक्शन है ऐसे कुछ है ना तो ये नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच का डायरेक्शन हुआ अगर आप यहाँ पे ऐसे खड़े हो so, तो हमें डायग्राम को ही देख के पता चल रहा है करेक्ट आंसर क्या है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ठीक है इसलिए ये जो आप रफ डायग्राम बना रहे हो ये भी इसमें भी आपको थोड़े ये नंबर्स ध्यान से रख के चलने होंगे ठीक है अगर टेन हमने इतना सा बनाया है तो ट्वेंटी उसका डबल होना चाहिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रॉम हिज हाउस दीपक वन ट्वेंटी फाइव किलोमीटर टू नॉर्थ अपने घर से निकल के दीपक जो है ट्वेंटी फाइव किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है ठीक है इमेज बना लेते हैं मान लीजिए यहाँ पे है दीपक का घर ये उसका घर हो गया घर से निकलता है और ट्वेंटी फाइव किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है ठीक है आगे देखते हैं देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर्ड फिफ्टीन किलोमीटर आगे चलता है यहाँ से ठीक है वेस्ट की तरफ जाता है वेस्ट इस साइड होगा ये हमेशा बना लेना नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाला ठीक है ये बस ऐसे प्लस का साइन बना के आपको आराम से पता चल जाएगा तो वेस्ट की तरफ कितना चलता है फिफ्टीन किलोमीटर्स तो ये पॉइंट बी हो गया एंड ये पॉइंट सी ठीक है उसके बाद देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड टेन किलोमीटर अब यहाँ से वो साउथ जाता है तो ये वाला पोजिशन साउथ होता है ना मतलब अगर आप यहाँ हो तो इस साइड जाओगे तो साउथ होगा तो पॉइंट सी से इधर आ रहा है ठीक है कितने किलोमीटर्स देखो टेन किलोमीटर्स तो टेन किलोमीटर्स यहाँ से चल रहा है वो फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवर्ड फिफ्टीन किलोमीटर इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम हिज हाउस ईस्ट की तरफ मुड़ता है ईस्ट इस साइड है तो मतलब यहाँ मुड़ता है फिफ्टीन किलोमीटर दोबारा चलता है ठीक है तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं सी हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसका घर जो है अब वो कौन सी डायरेक्शन में है मतलब अगर वो यहाँ से फिफ्टीन किलोमीटर चला ठीक है यहाँ पे किसी पॉइंट पे पहुँचा तो अब उसका घर कौन सी डायरेक्शन में होगा सारे मेजरमेंट्स जो दिए हैं हमें स्केल्स उसको ध्यान में रखो क्या दिया है सबसे पहले तो ट्वेंटी फाइव किलोमीटर तो मतलब इसको हम और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो ये पूरा ठीक है ये हमारा पॉइंट ए यहाँ से ये हो गया ट्वेंटी किलोमीटर ठीक है ये भी फिफ्टीन है ये भी फिफ्टीन है एंड पॉइंट सी से डी कितना है टेन ठीक है टेन किलोमीटर्स तो अब ये जब यहाँ आया मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया आपने ओ तो ये डी से चल के आया ओ पे अब इसका घर यहाँ पे है ए पे तो यहाँ पे अगर खड़ा है इसका फेस इस तरफ होगा तो आप देखो कौन सा साइड है इसका घर यहाँ पे है ना तो क्वेश्चन में क्या बोला है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द हाउस हाउस के हिसाब से वो अब कौन से डायरेक्शन में तो है तो उसका हाउस यहाँ है ठीक है तो हाउस के हिसाब से वो कौन से डायरेक्शन में ये नॉर्थ हुआ तो अगर ये हाउस है तो हाउस के हिसाब से वो नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा है ठीक है ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा अगर बोलते उसके हिसाब से हाउस किधर है तब हाउस कहाँ पे होता है साउथ डायरेक्शन में ठीक है ये साउथ है ऊपर नॉर्थ है तो हाउस के हिसाब से वो नॉर्थ पे है और उसके हिसाब से हाउस साउथ पे है अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर अ पुलिस मैन लेफ्ट हिज पुलिस पोस्ट एंड प्रोसीड फोर किलोमीटर साउथ ऑन अ लाउड साउंड फ्रॉम पॉइंट ए तो एक पुलिस मैन है ठीक है पुलिस पोस्ट को छोड़ के चार आगे जाता है और वहां पे उसको साउंड एक सुनाई देती है बहुत ही जोर से और उस वहाँ पे पॉइंट ए होता है तो मान लो एक पुलिस मैन है अपने पोस्ट से निकलता है यहाँ से वो जा रहा है ठीक है ऐसे कुछ जा रहा है साउथ की तरफ बोला है ना हमें तो इस साइड जा रहा है वो पॉइंट ए ये है ठीक है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो नहीं भूल गए यहाँ पे पहले प्लस बना लो कि ताकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ याद रहे तो साउथ किस डायरेक्शन में होता है इस डायरेक्शन में आपका साउथ होता है ठीक है और यहाँ पे उसको चार किलोमीटर उसने चला ठीक है फिर उसके बाद वो पॉइंट ए पे आया आगे बोला है ऑन रीचिंग द प्लेस ही हर्ड अनदर साउंड एंड प्रोसीड फोर किलोमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट बी यहाँ से दोबारा उसको एक साउंड यहाँ पे पहुँच के दोबारा उसको एक साउंड सुनाई देती है ठीक है और वो लेफ्ट की तरफ जाता है तो इस साइड उसका फेस है उसका राइट right कौन सा होगा लेफ़्ट कौन सा होगा वो देखो तो ये वाला साइड उसका राइट right होगा और ये लेफ़्ट होगा तो लेफ़्ट की तरफ वो जाता है और फोर किलोमीटर ठीक है और वहाँ पे क्या है पॉइंट बी तो इसको हम पॉइंट बी मान लेते हैं आगे बोला गया है फ्रॉम पॉइंट बी ही प्रोसीड लेफ्ट टू रीच अनदर प्लेस सी पॉइंट बी से वो लेफ़्ट जाता है और एक और प्लेस पे पहुंचता है पॉइंट सी तो यहाँ से लेफ़्ट क्या हुआ ये वाला साइड लेफ़्ट होगा तो यहाँ से दोबारा चार किलोमीटर चलता है और पॉइंट सी पे पहुंच जाता है इन विच डायरेक्शन ही हैज़ टू गो टू रीच टू द पुलिस पोस्ट अब उसको पुलिस पोस्ट पे पहुंचना है तो वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा ये हमें बताना है। तो वो यहाँ पहुँच चुका है और हमें बताना है कि यहाँ से वो कौन से डायरेक्शन में जाए ताकि वो अपने पुलिस पोस्ट पे दोबारा पहुँच जाए तो अगर आप क्वेश्चन ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा जो पुलिस मैन है उसने पुलिस पोस्ट को ही लेफ्ट किया था और उसके बाद वो चार किलोमीटर साउथ की तरफ प्रोसीड किया था तब उसको एक लाउड साउंड सुनाई दी थी पॉइंट तो जो A पे। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से पुलिस पोस्ट जो है वो यहीं है ठीक है यहाँ से वो चार किलोमीटर चला और पॉइंट ए पे पर ना तो ये है पुलिस स्टेशन ये है हमारा पॉइंट सी तो आप देखो ये डायरेक्शन पे जाना है उसको तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है ये वेस्ट होता है तो सी से वो वेस्ट की तरफ जब जाएगा तब वो पुलिस स्टेशन पहुँच जाएगा तो ऑप्शन में वेस्ट कहाँ दिया है ऑप्शन डी में तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके अगले क्वेश्चन पे आते हैं वन मॉर्निंग एट सेवन ओ क्लाक नरेश स्टार्ट वॉकिंग विद हिज बैक टूवर्ड्स द सन एक दिन सुबह सात बजे नरेश जो है चलना स्टार्ट करता है और उसकी पीठ जो होती है वो सूर्य की तरफ होती है इसका मतलब क्या है सुबह सूर्य जो होता है वो ईस्ट की तरफ से उगता है ठीक है ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको खुद समझनी होगी हर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया होगा कि ईस्ट से चलना स्टार्ट किया या वेस्ट पे चल रहा है ठीक है अगर उसकी पीठ जो है वो सूर्य की तरफ है तो वो किस साइड चल रहा है वो वेस्ट की साइड चल रहा है ठीक है अगर उसका मुंह सूर्य की तरफ होता सूरज की तरफ तो वो ईस्ट की तरफ चल रहा होता देन ही टर्नस टू वर्ड लेफ़्ट वॉक स्ट्रेट एंड देन टर्न टू वर्ड्स राइट एंड वॉक स्ट्रेट फिर वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ता है सीधा चलता है राइट right की तरफ मुड़ता है और सीधा चलता है देन ही टर्न अगेन टूवर्ड द लेफ्ट और दोबारा उसके बाद लेफ्ट टर्न करता है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग अब वो कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है ये हमें बताना है सो so, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं पहले ठीक है प्लस ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो मान लो एक पॉइंट है उधर से वो चलना स्टार्ट करता है और वो ऐसे चल रहा है कि उसकी बैक जो है वो सन के टूवर्ड्स है मतलब वो वेस्ट के साइड चल रहा है ठीक है हमने एक पॉइंट ले लिया पॉइंट ए और पॉइंट ए से वो वेस्ट के साइड चल बाद है। बोला है कि वो लेफ्ट टर्न करता है वहाँ से तो यहाँ पे आप खड़े हो ठीक है मान लो इस साइड आपका फेस है तो आपका ये राइट right हो जाएगा ये लेफ्ट तो आप इधर लेफ्ट के साइड जा रहे हो उसके बाद बोला है स्ट्रेट चलता है उसके बाद बोला है स्ट्रेट चलने के बाद वो क्या करता है राइट right टर्न लेता है और दोबारा स्ट्रेट चलता है तो यहाँ पर आया स्ट्रेट चल के और यहाँ से राइट right लेगा तो यहाँ से राइट right कौन सा है ये राइट right है ये लेफ्ट है तो इधर वो चलता है ठीक है राइट के साइड तो ये पॉइंट बी हो गया ये पॉइंट सी हो गया उसके बाद वो दोबारा टर्न करता है लेफ्ट के साइड तो इस पॉइंट पे आके पॉइंट डी पे वो दोबारा लेफ़्ट टर्न करता है तो लेफ़्ट कौन सा है यहाँ पे ये साइड ठीक है यहाँ पे आपका लेफ़्ट हो गया सो पॉइंट डी से वो लेफ्ट टर्न करा और उसके बाद क्या पूछा है कि इसका फेस कौन से डायरेक्शन में है तो वो इस डायरेक्शन में देखो ये है लास्ट उसका डायरेक्शन जो हमें दिया है तो इस डायरेक्शन में क्या है साउथ तो उसका फेस जो है वो साउथ डायरेक्शन में है ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स आई एम फेसिंग साउथ मैं हूँ ठीक है आपके ऊपर ही क्वेश्चन है कि आप जो है वो साउथ की तरफ आपका फेस है आई टर्न राइट एंड वॉक ट्वेंटी किलोमीटर फिर आप राइट right टर्न लेते हैं एंड ट्वेंटी किलोमीटर्स चलने लगते हैं तो मान लीजिए ठीक है ऐसे आप दोबारा इसको बना लेना इससे आपको आसानी मिलती है तो यहाँ पे आप हो ठीक है साउथ की तरफ हो यहाँ से आप राइट टर्न लेते हो और ट्वेंटी किलोमीटर्स चलने लग जाते हो उसके बाद आप दोबारा राइट टर्न लेते हो और टेन किलोमीटर्स चलने लग जाते हो ठीक है तो यहाँ से आपका फेस इस साइड है तो ये आपका राइट हुआ तो यहाँ से आप राइट टर्न लेते हो और कितना चलते हो टन किलोमीटर्स ये हो गया आपका पॉइंट बी पॉइंट ए और ये हो जाएगा पॉइंट सी उसके बाद बोला है देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक टेन किलोमीटर इसके बाद आप क्या कर रहे हो लेफ्ट जा रहे हो ठीक है इधर आपका फेस है ये आपका राइट right हो गया ये आपका लेफ़्ट तो आप लेफ़्ट जा रहे हो दोबारा कितना चल रहे हो टेन किलोमीटर्स तो आप सी से पॉइंट डी पे गए टेन किलोमीटर्स चल के नेक्स्ट है देन टर्न राइट एंड वॉक ट्वेंटी किलोमीटर अब इस पॉइंट पे पॉइंट डी से आपको राइट right टर्न लेना है ठीक है पॉइंट डी से आपने राइट right टर्न लिया और ट्वेंटी किलोमीटर्स चलने लगे कहाँ पे पहुंच गए पॉइंट ई पे देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक सिक्सटी किलोमीटर्स फिर आप दोबारा राइट टर्न लेते ऐसे पता चलेगा राइट right? आपका फेस इस साइड है अपना हाथ से ही कर लिया करो कि ये मेरा राइट right हैंड है वो लेफ्ट हैंड है ठीक है तो यहाँ से राइट right हैंड आपका इस साइड तो इस साइड आप जा रहे हो और सिक्सटी किलोमीटर चल रहे हो पूरा ठीक है ये सिक्सटी किलोमीटर आप चल रहे हो इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो उसके हिसाब से अभी आप कौन से डायरेक्शन पे आ चुके हो आपको ये बताना है तो मान लो ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ से अगर आप देखो यहाँ पे आ चुके हो सिक्सटी किलोमीटर चलने के बाद तो ये डायरेक्शन कौन सा है तो आपको यहाँ पे कार्डिनल या सब डायरेक्शन बताना होगा ठीक है आपको ऑप्शन भी वही दिए हैं तो आप अगर देखोगे तो आप यहीं से मार्क कर लो ऐसे ठीक है तो ये है नॉर्थ एंड ये है ईस्ट तो आप नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो मतलब आप स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे आप हो ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी नॉर्थ ईस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी आर प्लेइंग कार्ड्स चार दोस्त हैं ए बी सी और डी कार्ड्स खेल रहे हैं बी और डी जो है पार्टनर हैं इफ़ बी इज़ फेसिंग ईस्ट एंड सी इज़ फेसिंग साउथ देन हु इज़ फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ अगर बी जो है वो ईस्ट की तरफ बैठा है और सी जो है वो साउथ की तरफ बैठा है तो नॉर्थ की तरफ किसका मुंह है हमें ये बताना है ठीक है तो अभी हम इसको बना लेते हैं मान लो ये है आपका ए बी सी एंड डी बी जो है वो ईस्ट की तरफ देख रहा है ठीक है और यहीं पे लिखा है ना बी जो है ईस्ट की तरफ देख रहा है सी जो है साउथ की तरफ देख रहा है तो सी जो है वो साउथ की तरफ देख रहा है नीचे ये हमेशा बना लिया करो इससे आसानी रहती है आपको ठीक है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ तो बी जो है वो वेस्ट की तरफ देख रहा था इस साइड तो हमने यहाँ मार्क कर दिया सी जो है वो नॉर्थ की साइड देख रहा था तो हमने इसको यहाँ मार्क कर दिया ठीक है बी और डी जो है ये तो पार्टनर हमने बी और डी को आमने सामने बिठाया है आप कभी भी कैरम या लूडो कुछ भी ऐसा खेलते हैं कार्ड्स का गेम तो ऐसे ही करते हैं ना जो एक पार्टनर इधर बैठा होता है एक पार्टनर इधर इसका, इसका पार्टनर ये होगा इसलिए ये ऑपोजिट साइड्स बैठे हैं ठीक है थीके? तो ये इधर बैठा है ठीक है तो ये किस तरफ़ देख रहा है ये ईस्ट की तरफ देख रहा है तो बच्चा कौन ए ए जो है वो नॉर्थ की तरफ उसका फेस्ट है तो इसमें हमने एजम्पन पे किया है अपने कि जो बी और डी है वो पार्टनर है यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए वो ऑपोजिट साइड बैठे हैं ठीक है कभी कभी अगर हम ये एजम्पशन नहीं कर पाते हैं तो आंसर गलत भी हो जाता है और वैसे क्वेश्चन में आपको कभी कभी ऑप्शन में लिखा भी आएगा कि डाटा इनएक्यूरेट तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो ठीक है अभी नॉर्थ किसका फेस है तो वो ए का है ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट ये थोड़ा अलग है जो हम पहले कर रहे हैं उससे ठीक है तो ध्यान देना राम जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ अपना फेस करके बैठा है या खड़ा है ठीक है ही टर्न्स इन द क्लॉकवाइज वाइज डायरेक्शन बाई नाइन्टी डिग्री वो क्लॉकवाइज वाइज डायरेक्शन में टर्न करता है नाइन्टी डिग्री मैंने आपको बताया था नाइन्टी डिग्री कितना होता है और फोर्टी फाइव डिग्री कितना होता है तो उसको याद रखना है ठीक है देन वन एटी इन एंटी क्लाक वाइज डायरेक्शन एंटी क्लाक वाइज मतलब उल्टा चल रहा है और वन एटी डिग्री मूव करता है एंड देन अनदर नाइन्टी डिग्री इन द सेम डायरेक्शन और उसी डायरेक्शन में दोबारा नाइन्टी डिग्री मूव करता है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ अब इसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में है तो इसके लिए सबसे पहले हमें सब डायरेक्शन के साथ पूरा वो डायग्राम बनाना होगा ठीक है तो ऐसे हम मार्क कर लेते हैं ये हो गया आपका ईस्ट ये हो गया वेस्ट ये हो गया नॉर्थ एंड ये हो गया साउथ ठीक है अब इसके बाद अब इसके सब डायरेक्शन हमने बना लिए ये क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट देन नॉर्थ वेस्ट ये साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बताया है? राम जो है वो फेस कर रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट कहाँ है देखो ये है ठीक है तो राम मान लो इधर बीच में खड़ा है राम एंड वो इस साइड अपना फेस करके खड़ा है ठीक है नेक्स्ट बोला गया वहां से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री टर्न करता है सो व्हाट इज़ क्लॉकवाइज जब हम ऐसे चलते हैं तो क्लॉकवाइज होता है मतलब ये घड़ी है और ऐसे ही काटे जा रहे हैं और जब हम इसका उल्टा करेंगे तो वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ से ये कितना जा रहा है नाइन्टी डिग्री हमें बोला गया था ठीक है तो दिस इज़ फोर्टी फाइव एंड ये एक पूरा अगेन फोर्टी फाइव हो जाता है तो ये क्या हो गया एक राइट right एंगल है विच इज़ नाइन्टी डिग्री तो ये यहाँ पे आ गया टर्न लेके के कहाँ आ गया वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नाइन्टी डिग्री टर्न लेके अब हमें बोला है अब वो एंटी क्लाक डायरेक्शन में टर्न लेता है वन डिग्री तो यहाँ पर वो पहुँचा ठीक है इस डायरेक्शन में है वो नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट से वो 180 डिग्री कितना टर्न ले रहा है एंटी क्लाक मतलब उल्टा तो हमने क्या बताया अभी घड़ी ऐसे चल रही है ये क्लाक हुआ जब उल्टा जाने लगेगी तो एंटी क्लाक होगा तो मतलब वो यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगा ठीक है और कितना जा रहा है वन एटी तो ये हमारा कितना हो गया है वन एटी क्या होता है एक सेमी सर्कल बनाता है अगर मैथ्स का थोड़ा भी बेसिक आपको याद होगा तो, तो ये अगर नाइन्टी है राइट एंगल बना रहा है तो यहाँ से दोबारा राइट एंगल बन रहा है एंड नाइन्टी प्लस नाइन्टी कितना हो जाता है वन एटी तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो अगर वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में वन एटी डिग्री टर्न कर रहा है तो कहाँ आ जाएगा साउथ वेस्ट में उसके बाद हमें बोला है कि इसी सेम डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लाक ही मुड़ते हुए वो नाइन्टी डिग्री और मुड़ता है ठीक है तो यहाँ से नाइन्टी डिग्री और मुड़ रहा है तो एक राइट एंगल और तो अब वो कौन से डायरेक्शन में आ गया वो आ गया साउथ ईस्ट ठीक है तो सबसे पहले क्या किया इस डायरेक्शन में था यहाँ से उसने टर्न लिया क्लॉकवाइज 90 डिग्री तो वो पहुँचा नॉर्थ ईस्ट पे नॉर्थ ईस्ट से उसने एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया 180 डिग्री तब वो पहुँचा साउथ वेस्ट पे स्ट्रीट लाइन और साउथ वेस्ट पे पहुँच उसने 90 डिग्री दोबारा एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया तब वो पहुंच गया साउथ ईस्ट पे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी साउथ ईस्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन इसमें बोला है अ वॉच रीड फोर थर्टी तो एक घड़ी है जिसमें फोर हमें टाइम पता चल रहा है इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट अगर मिनट हैंड जो है ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रही है इन विच डायरेक्शन वेल द आर हैंड पॉइंट्स तो जो आर हैंड है वो कौन से डायरेक्शन पे पॉइंट करेगी तो अभी हम जो डायरेक्शन पढ़ते थे इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ वो हमें नहीं मानना हमें इसके अकॉर्डिंग मानना है तो हमें क्या बोला है मिनट हैंड कौन सा होता है आर हैंड कौन सा होता है ये होता है आर हैंड छोटा वाला और बड़ा वाला होता है मिनट हैंड तो हमें बोल दिया गया है मान लो ये आप ऐसे पॉइंट है ठीक है और इस साइड से ईस्ट की तरफ जो है वो मिनट हैंड पॉइंट कर रही है तो ये हमारा ईस्ट हो गया तो वेस्ट क्या होगा ये वाला पॉइंट वेस्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन पे ठीक है और नॉर्थ कौन सा हो जाएगा और साउथ कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका नॉर्थ होगा और ये वाला आपका पॉइंट हो जाएगा साउथ मतलब इसको हमने बस ऐसे घुमा दिया है बताना क्या था क्वेश्चन में यही बताना था कि जो हमारा आर हैंड है वो किस साइड पॉइंट कर रहा है ऑप्शन देखिए साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट तो ये किसके किसके बीच में आ रहा है ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आ रहा है ईस्ट और नॉर्थ के, के बीच में क्या आता था यहाँ पे क्या आता था नॉर्थ ईस्ट ठीक है तो ये पॉइंट किसकी तरफ कर रहा है नॉर्थ ईस्ट की टूवर्ड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन रीमा वॉक टेन किलोमीटर साउथ एंड टर्न राइट एंड वॉक फाइव किलोमीटर रीमा जो है दस किलोमीटर चलती है साउथ की टूवर्स और राइट right टर्न लेती है और फिर से चलने लग जाती है पाँच किलोमीटर देन अगेन शी टर्न राइट एंड वॉक टेन किलोमीटर फिर से राइट right टर्न लेती है एंड टेन किलोमीटर्स चलती है देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक टेन किलोमीटर दोबारा लेफ्ट टर्न लेती है और दस किलोमीटर चलने लग जाती है हाउ मेनी किलोमीटर विल रीमा हैव टू वॉक टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा पहुंचने के लिए रीमा को कितने किलोमीटर्स चलना पड़ेगा तो देखो क्वेश्चन जो है हमारा उसके हिसाब से अभी हम डायग्राम अपना बना लेते हैं रफ वाला तो ये है पॉइंट ए जहाँ से हम मान रहे हैं वो चलना स्टार्ट करती है ठीक है चलना स्टार्ट करती है तो क्या बोला है दस किलोमीटर साउथ की तरफ चलती है तो साउथ इस साइड होता है तो साउथ की तरफ उसने चला हम मान लेते हैं ये टेन किलोमीटर उसने चल लिया ठीक है यहाँ पे रुकी पॉइंट बी फिर पॉइंट बी से वो किस तरफ जा रही है देखो राइट टर्न लेके पाँच किलोमीटर चलती है तो यहाँ से राइट right क्या होगा ये हो गया राइट right, ठीक है यहाँ पे पाँच किलोमीटर चलती है ये हो गया पॉइंट सी उसके बाद बोला है दोबारा राइट टर्न लेती है और दस किलोमीटर चलती है तो इस साइड उसका फेस है राइट right किस साइड होगा ये राइट right होगा ठीक है तो यहाँ दोबारा दस किलोमीटर चलती है तो ये हो गया पॉइंट डी उसके बाद बोला है लेफ्ट टर्न ले लेती है और दस किलोमीटर चलती है तो यहाँ से वो लेफ्ट ये होगा देखो इस साइड उसका फेस है ये होगा राइट right और ये होगा लेफ्ट तो लेफ्ट टर्न लेती है और टेन किलोमीटर्स चलती है ठीक है ये हो गया पॉइंट ई मान लो और यही उसकी फाइनल पोजिशन भी है ठीक है अब हमें क्या बताना है कि अब कितने किलोमीटर्स उसको चलना पड़ेगा अगर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा जाना चाहती है स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा ए तो कितने किलोमीटर्स चलना पड़ेगा दोबारा तो देखो हमने यहाँ से क्या बनाया ये टेन किलोमीटर है ये भी टेन किलोमीटर है तो ये फाइव किलोमीटर है इसको भी अगर हम जॉइंट करेंगे सपोज करके तो ये भी कितना हो जाएगा फाइव किलोमीटर तब ये जाके एक रेक्टेंगल बन रहा है ना ठीक है तो ये फाइव किलोमीटर हो गया तो यहाँ पे पॉइंट डी और ई e कितना है टेन किलोमीटर और डी और ए कितना है फाइव किलोमीटर तो यहाँ पॉइंट ई से जब उसको पॉइंट ए पे दोबारा जाना होगा तो क्या करेंगे सिंपली हम प्लस कर देंगे तो टेन प्लस फाइव कितना हो गया फिफ्टीन ठीक है तो फिफ्टीन किलोमीटर उसको दोबारा चलना पड़ेगा ऑप्शन ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओके नेक्स्ट इज़ अ मैन ट्रैवल फोर किलोमीटर ड्यू नॉर्थ देन ट्रैवल सिक्स किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड फर्दर ट्रैवल फोर किलोमीटर ड्यू नॉर्थ तो नॉर्थ की तरफ से चार किलोमीटर ट्रैवल करता है फिर ट्रैवल करता है वो सिक्स किलोमीटर ईस्ट की साइड फिर वो ट्रैवल करता है चार किलोमीटर नॉर्थ की साइड हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर आ चुका है हमें ये बताना है इसमें आपको पूरे सब डायरेक्शन वाला सारा बना लेना ठीक है अपने कॉपी में हम मानते मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए से वो कितना चलता है चार किलोमीटर चलता है नॉर्थ की साइड ठीक है तो ये नॉर्थ होता है ना तो यहाँ पे वो चार किलोमीटर चल रहा है उसके बाद पॉइंट बी पे पहुँच गया मान लो फिर यहाँ पे रुक के वो छः किलोमीटर चलता है किस साइड ईस्ट की साइड तो यहाँ से छः किलोमीटर उसने चला ईस्ट की साइड ठीक है यही बोला है ना ईस्ट की साइड छः किलोमीटर चला फिर आगे कितना चार किलोमीटर नॉर्थ की साइड तो नॉर्थ कहाँ है यहाँ पे दोबारा यही ऊपर होगा नॉर्थ तो यहाँ पे दोबारा चलता है चार किलोमीटर ये हो गया पॉइंट सी और इसको हम मान लेते हैं पॉइंट अब हमें बताना क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर आ चुका है उसके लिए अब हम दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ठीक है तो अभी आपको क्या करना है एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लो पॉइंट ए से पॉइंट डी तक एक इमेजिनरी हमने लाइन ड्रा कर ली कि ये एक रास्ता है पॉइंट ए से पॉइंट डी तक ठीक है अब ये सिक्स किलोमीटर है तो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक जाऊँगी तो वो भी सिक्स किलोमीटर होगा ये फोर किलोमीटर है तो अगर मैं पॉइंट मान लो इस पॉइंट को मैं ई e लिख रही हूँ ठीक है तो पॉइंट ई e को अगर सी से जॉइन करूंगी तो ये भी फोर किलोमीटर होगा ठीक है तो ये सिक्स किलोमीटर हो गया ये फोर किलोमीटर हो गया तो ये एक ट्राइंगल हो गया आपका ठीक है इस ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है ये पोर्शन जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं ठीक है पॉइंट ए और पॉइंट डी निकालना है हमें वही बताना है ना कि पॉइंट ए से पॉइंट डी में कितना डिस्टेंस है या वो कितना दूर आ चुका है अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ए और डी को निकालने के लिए तो क्या होगा तो हम ए और सी का स्क्वायर लेंगे एंड डी और ई e का स्क्वायर लेंगे तो डी और ई e में आप देखोगे तो दो पॉइंट्स है ई e, सी और सी डी तो इसको हम प्लस कर लेंगे फोर प्लस फोर कितना हो जाता है एट तो ट्राइंगल की एक साइड है एट किलोमीटर्स की एक साइड है सिक्स किलोमीटर्स की ठीक है तो सिक्स का स्क्वायर कितना होता है सिक्स का स्क्वायर होता है थर्टी सिक्स और एट का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटी फोर एट एट जिक्सटी फोर होता है ना तो थर्टी सिक्स प्लस एटी फोर और इसका रूट ले लें तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आएगा हंड्रेड ठीक है रूट हंड्रेड हो गया अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे रूट हटाने के लिए करोगे तो आ जाएगा आपका टेन किलोमीटर्स तो हमारा पॉइंट ए से डी तक कितना डिस्टेंस है टेन किलोमीटर्स ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें अब कभी कभी बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम इसको सिंपल ऐसे क्यों नहीं प्लस किया हमने कि ये फोर्थ था ये सिक्स था और ये फोर्थ था हमने इसको सिंपल क्यों नहीं प्लस किया तो आप प्लस करके देखो आपका आंसर गलत आएगा या उससे मैच ही नहीं करेगा जो पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है ठीक है फोर प्लस सिक्स कितना होता है टेन एंड टेन प्लस फोर कितना होता है फोर्टीन आपको यहाँ ऑप्शन में फोर्टीन दिया भी हुआ है कन्फ्यूज़ करने के लिए तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आपसे अगर ये पूछ रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस पे दूर है ठीक है तब आपको अगर ऐसा कुछ डिस्टेंस दिख रहा है जहाँ से आप ट्राइंगल बना पा रहे हो तब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है ठीक है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राम गोस फिफ्टीन मीटर नॉर्थ देन ही टर्न राइट एंड वॉक ट्वेंटी मीटर सो लेट्स मेक रफ डायग्राम फर्स्ट दिस इज़ पॉइंट ए ठीक है पॉइंट ए से राम जो है वो क्या कर रहा है नॉर्थ की तरफ जा रहा है फिफ्टीन मीटर तो नॉर्थ इस साइड होगा ऊपर नॉर्थ की साइड जा रहा है फिफ्टीन मीटर पॉइंट बी पे तो ये हो गया फिफ्टीन मीटर उसके बाद वो राइट टर्न लेके ट्वेंटी मीटर वॉक कर रहा है यहाँ से राइट right होगा ये वाला साइड ठीक है राइट टर्न लेता है ट्वेंटी मीटर चल रहा है पॉइंट सी पे आ जा रहा है आगे वो राइट right टर्न लेता है और टेन किलोमीटर्स चलता है यहाँ से वो राइट टर्न लेके टेन किलोमीटर चलता है यहाँ पे आपका फेस है तो ये आपका लेफ़्ट हो गया ये आपका राइट right होगा ठीक है राइट टर्न लेके टेन किलोमीटर्स चल रहा है देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक ट्वेंटी मीटर फिर से राइट टर्न ले रहा है तो इस साइड आपका फेस है ये आपका लेफ्ट होगा ये आपका राइट तो यहाँ से राइट ले रहा है ट्वेंटी मीटर चल रहा है हाउ फार इज़ ही फ्रॉम औरिजिनल पोजिशन ओरिजिनल पोजिशन से वो कितना दूर है करके हम देख सकते हैं साफ साफ पता चल रहा है वो इस पॉइंट पे पहुंच चुका है तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों याद रखने हैं यहाँ से यहाँ तक की कि डिस्टेंस कितनी थी पॉइंट सी से अगर पॉइंट डी की बात करें तो डिस्टेंस थी टेन किलोमीटर तो पॉइंट बी से अगर इस पॉइंट को हम पॉइंट ई e ले ले रहे हैं तो बी और ए भी आपका टेन किलोमीटर का हो जाएगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 15 तो मतलब हम फिफ्टीन में माइनस टेन कर देंगे तो हमें ये जो डिस्टेंस है वो पता चल जाएगा तो ये कितना है फाइव मीटर का ठीक है तो ओरिजिनल पोजीशन से वो कितना दूर है फाइव मीटर पे ओके okay, सो so ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आई होप आपको ये सेशन अच्छा भी लगा हो और आपको समझ भी आया हो रीजनिंग के आपके जो भी टाइप्स जितने भी आ सकते थे मैंने सारा करवा दिया है. अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है जितनी भी हो सके ठीक है सो आज का कोट है एवरीथिंग कम्स टू यू एट द राइट टाइम बी पेशेंट तो सही टाइम आने पे ना आपको सब कुछ मिलेगा आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा ठीक है और ये सिर्फ सही टाइम आने की बात नहीं है हर चीज़ में आपको बहुत ही जल्दी 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 लगा रहता एक है एकदम से वो चाहते हैं कि उनके सेवेंटीज़ में आ रहे हैं अभी मॉक टेस्ट में मार्क्स और वो पहुंच जाए वन थर्टी के अराउंड तो ऐसा नहीं होता हर चीज़ में टाइम लगता है ठीक है आप जितनी मेहनत करोगे समय भी लगेगा ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक ही दिन में चौबीसों घंटे पढ़ रहे हो और फिर भी आपका हो जाएगा तो टाइम भी लगेगा और आपकी मेहनत भी लगेगी इंग्लिश में एक एडिया मैंने रूम वॉज इन बिल्ड इन अ डे कुछ वो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक दिन में नहीं होती है अपना बेस्ट देते रहो और पेशेंट रहो ठीक है एकदम से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा एकदम से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागना है कि हाँ मैंने ये किया और इसका मुझे तुरंत रिजल्ट मिल जाए तो ऐसा तो नहीं तो करो फल की चिंता करना छोड़ दो सो so, इसी पॉजिटिव नोट पे मैं ये सेशन एंड कर रही हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइस